फ्रेंड्स, मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हैं इनके गल्फ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेट रिज्यूमे के बारे में। रिज्यूमे बहुत ही ज़रूरी है। अभी 2022 के टाइम पे आपको बाहर में गल्फ देशों में जॉब दिलाने के लिए बहुत सारों का सपना होता है कि गल्फ में जाएं, जॉब मिले, जॉब पाएं, अपना ड्रीम जॉब गल्फ में ले सकें। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले पहला स्टेप ही है सही रिज्यूमे बनाना, क्योंकि अभी 2022 में मैं मुंबई रह के आ रहा हूँ, 4 महीने पहले की बात है। तो 2022 में अभी क्या नियम हो गया है कि सबसे पहले आप ऑफिस जाइएगा तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे वो लोग लेके रख लेंगे। रिज्यूमे एक बार कलेक्ट करके सारों का और वो क्लाइंट के पास भेज देते हैं। क्लाइंट क्या करेगा कि थॉरली पूरा चेक करेगा वो रिज्यूमे, उसके बाद वो उस सारे रिज्यूमे में से वो शॉर्टलिस्ट करेगा रिज्यूम कि किसको किसको मुझे फेस टू फेस इंटरव्यू लेना है। सिर्फ उन लोगों का ही फिर फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, सारों का नहीं होगा। तो फेस टू फेस इंटरव्यू में फिर आप उनके सामने बैठ के इंटरव्यू दीजिएगा, यानी अपना टैलेंट उनके सामने शो कीजिएगा, दिखाइएगा, तब आपको जॉब मिलेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए आपका रिज्यूमे सही होना चाहिए, क्योंकि आप तो नहीं जा रहे पहले क्लाइंट के पास, आपका रिज्यूमे पहले जा रहा है। तो आपका रिज्यूमे जो पहले जा रहा है तो ऐसा रिज्यूमे होना चाहिए कि वो आपका शॉर्ट लिस्ट में आ जाए। तो मैंने जैसा रिज्यूमे बनाया, और पहले भी सऊदी के लिए जॉब पाया, फिर मैंने अभी कुवैत के लिए जॉब पाया है, सेम रिज्यूमे से, सेम फॉर्मेट से। मैंने उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, सिर्फ अपडेट किया हूँ। तो जो रिज्यूमे मैंने इस्तेमाल किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रिज्यूमे कैसा है। उसके बाद आप सेम फॉलो करें। और चलिए पहले रिज्यूमे देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रिज्यूमे का पहला फॉर्मेट हो गया, पहला पेज हो गया। इसमें ऊपर में आप कैरिकुलम वीट लिख दें। कैरिकुलम वीट होने के बाद नीचे आप अपना नाम, दाहिने साइड में अपना फ़ोटो डाल दें। उसके नीचे आप पहला स्टेप प्रोफाइल दे दें। प्रोफाइल में आप अपना जॉब का डिटेल, जहाँ भी आपने काम किया थोड़ा बहुत, और जॉब का डिटेल दे दें। प्रोफाइल में एक प्रोफाइल बना लें 3-4 लाइन का। उसके बाद उसके नीचे आप वर्किंग एक्सपीरियंस, वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्किंग एक्सपीरियंस, तो वर्किंग एक्सपीरियंस दे दें। जहाँ जहाँ आपने काम किया है वहाँ वहाँ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, ये वाला है, ये वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया। उसके ठीक बाद आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दे दें। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दे दें। ठीक उसके बाद आप अगर टेक्निकल किए हों तो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन भी दे दें। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के ठीक बाद ये नीचे वाला दोस्तों, ये टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन दे दें। उसके बाद आप एडिशनल क्वालिफ़िकेशन दे दें, कुछ कंप्यूटर वगैरह कोर्स किया हो तो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भी दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आप जॉब प्रोफाइल या जॉब से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, कम से कम 8 से 10 पॉइंट दे दें। ये पेज में पूरा पॉइंट रहेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पेज में। थर्ड पेज में आपका पर्सनल डिटेल रहेगा। पर्सनल डिटेल ये देख सकते हैं क्या क्या दिया है मैंने। पर्सनल डिटेल दे दें, उसके बाद पासपोर्ट डिटेल दे दें, फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल दे दें। उसके बाद आप नीचे डिटेल दे के अपना नाम लिखे, डेट लिखे, मेंशन। तो दोस्तों, अभी आपने रिज्यूमे का फॉर्मेट देख लिया। इंशाल्लाह आप सेम रिज्यूमे का फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, उसमें एडिट करके एक अपना पूरा डिटेल डालें, फॉर्मेट सेम रखें। इंशाल्लाह आपको जरूर बाहर जॉब के लिए मदद मिलेगी, इंडिया में भी और ख़ासकर गल्फ़ कंट्री में, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ही इस फॉर्मेट से बहुत सारा इंटरव्यू दिया है दोस्तों, और आपको भी ज़रूर ये शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत ही बहुत मदद होने वाला है। तो ये फॉर्मेट को आप फॉलो करें, ये अपडेट रिज्यूमे को फॉलो करें, ये बहुत ही काम आने वाला है आपको दोस्तों। तो प्लीज़ गल्फ जॉब के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए मुझे वीडियो बनाने में लेट होता है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, और जो भी आपके रिलेटिव जोन में, फ्रेंड जोन में जो भी बाहर जाने के लिए इच्छुक हैं या बाहर जाने वाले हैं या बाहर चले गए हैं, सारों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। और टाइम टू टाइम मैं इस टाइप का वीडियो डालता रहूँगा 100% सही जानकारी के साथ दोस्तों। थैंक यू